हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए यूफोर्बिया अमेलिका प्लांट यानी क्वीन ऑफ थॉर्न्स, इसकी मैंने कटिंग आपके सामने ही लगाई थी। साथ ही साथ मैंने आपको इसकी जो है टाइम टू टाइम पे अपडेट भी दी। और अब देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे ये डबल शेप के फ्लावर्स भी निकलना शुरू हो गए। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो ये तो हो गई एक अपडेट। अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा एक्वेटिक पॉन्ड या आउटडोर वाबीकूसा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और जब मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था तब इसमें जो है बहुत अच्छे से जो है मेरा ये वाटर कैबेज ग्रो हो रहा था। साथ ही साथ जो ये डकवीड है और ये फ्रॉग बेड्स हैं, ये भी पूरे इसके अंदर जो है पूरे कवर हो गए थे। इस पानी को इसने पूरा कवर कर लिया था, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। साथ ही साथ बीच में मैंने एक पेनीवॉट का पॉट भी रखा हुआ था, तो वो तो मैंने फिलहाल हटा दिया है क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा आज का टॉपिक क्या है, आप ये देखिए इन वाटर कैबेज की हालत क्या हो रही है। और ये डकवीड देखिए, जो ऑलरेडी पहले सब इसमें जो पत्ते पूरे भर गए थे, जो ये मेरा वाटर का ऊपर से जो कवर था वो पूरा यानी ढक गया था वो डकवीड से, फ्रॉग बिट से और ये वाटर कैबेज से, अब ये पूरा कम होने लगा है। देख सकते हैं आप, ये सारे पत्ते जो हैं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो डकवीड थी पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और ये वाटर कैबेज की हालत आप देखिए, इनके पत्ते किस तरह जो हैं, कहीं पे ऐसे लग रहे हैं जैसे इनको किसी ने खाया है, कहीं पे ये ड्राई हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इनमें जो है स्लग्स और स्नेल्स पैदा हो गए हैं। जो मैंने इसके अंदर मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट सब डाली थी फ्रेंड्स, बस उसी वजह से शायद जो है इसके अंदर ये स्लग्स और स्नेल पैदा हो गए, या तो शायद बारिश के पानी की वजह से, गिरने की वजह से इनमें जो है स्लग्स और स्नेल्स पैदा हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे हर जगह। तो ये पानी में आने की वजह से ये जो है इन्होंने धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पर भी एक है, इन्होंने धीरे धीरे ये सारे मेरे डकवीड और फ्रॉग बीट्स खाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो है ये मेरा पॉन्ड अब देखिए आप कैसे खाली हो गया है। और ये मेरा वाटर कैबेज भी खराब कर रहे हैं, उसकी लीव्स भी ये खाते ही रहते हैं। आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। ये देखिए ये उल्टे फ्लोट करते हैं और इस तरह जो है ये लीव्स खाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये खा रहे हैं अभी ये मेरे जो है एक्वेटिक प्लांट्स को। तो इन्होंने जो है मेरे ये सारे प्लांट्स खराब कर दिए हैं। अब ये मुझे वाटर इसका चेंज करना है। तो बस यही मुझे आज आपके साथ वीडियो में शेयर करना था कि अगर आपके वाटर कैबेज या कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स के साथ ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि प्लांट्स खराब हो रहे हैं और कोई जो है इनकी लीव्स खा रहा है, या इनके जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लीव्स पूरे पीले पड़ रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका ये एक कारण हो सकता है कि इनके जो ये जो पानी है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं फिर से, ये देखिए किस तरह खा रहे हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो पानी है, इस पानी में शायद आपके स्लग्स और स्नेल्स पैदा हो गए हैं या कहीं से आ गए हैं। बारिश के पानी की वजह से भी हो जाता है कई बार। अगर आप अपने गार्डन में घूमेंगे इस टाइम पे जब बरसात होती है, तो आपको बहुत सारे स्लग्स, स्नेल्स, फ्रॉग्स, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो आपने जो है अपना वाटर चेक करना है या देखना है अंदर कहीं इनमें जो है स्लग्स और स्नेल्स तो नहीं पैदा हो गए, और शायद इसी वजह से जो है आपके ये वाटर प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स जो है खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये सर्वाइव ही इनके पत्तों पर होते हैं। उनके पत्ते धीरे धीरे खाते रहते हैं और ये इसी तरह मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ये शायद इसमें एक आध स्नेल, ये बड़े बड़े दो स्नेल्स हैं आप देख सकते हैं, स्लग्स हैं, और ये छोटे छोटे बहुत सारे अब ये पैदा करते जा रहे हैं। तो इस तरह जो है ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो बस आपने करना क्या है, आपने जो है अपने पॉन्ड का पानी चेंज कर देना है। आप ये सारे प्लांट्स इसमें से हटाएं, उनको थरली वॉश करें, जहाँ पे इनकी रूट्स ड्राई हो रही हैं या खराब हो गई हैं उनको हटा दीजिए। अच्छे से इनकी रूट्स को वॉश करिए, ये लीव्स सब अच्छे से वॉश करिए, ताकि कोई भी स्लग या स्नेल जो है इस पे चिपक के रहने ना पाए। और ये जो भी डकवीड है, आप अगर चाहते हैं तो इनको अच्छे से दो तीन बस, अगर आप ये डकवीड और फ्रॉग बिट्स कलेक्ट कर लें, बाकी सब आप जो है फेंक सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो इससे आप जो है अपने ये जो भी है ये डाइंग वाटर कैबेज, वाटर लेट्यूस, इनको बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो साल भर चलता है। विंटर्स में बस ये थोड़ी सी डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, मरते तो नहीं है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, क्योंकि एकदम से मेरे प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे और ये एकदम से इनकी जो है ग्रोथ खराब होने लगी। सारा पानी जो है मैं देख रही हूँ क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने
बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया पानी को देखा तब मेरी समझ में आया कि इनमें जो है स्लग्स और स्नेल्स पैदा हो गए हैं। तो आपने बस अपने पॉन्ड को साफ कर देना है, ये पुराना पानी ये मिट्टी सब हटा देनी है इसके अंदर की। और वैसे तो आप इसमें प्लेन वाटर में भी इनको ग्रो कर सकते हैं, तो बरसात के मौसम में इनको सिर्फ पानी में ही ग्रो करने की कोशिश करिए, बाद में आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा कोई भी डिकम्पोज्ड यानी गोबर की खाद डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी हल्की सी डाल दीजिए अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए। लेकिन विंटर्स में इनको कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एज इट इज ये थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी ग्रोथ का टाइम आ जाता है तब आप इनको फर्टिलाइज कर दें तो ये बहुत अच्छे से वापस से अपनी ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो बस यही एक सिंपल सा टॉपिक आपके साथ शेयर करना था क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे और क्यों मर जाते हैं उनके वाटर कैबेज के प्लांट्स या दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स उनकी समझ में नहीं आता, तो ये एक कारण है फ्रेंड्स के स्लग और स्नेल्स पानी में आ जाने की वजह से ये प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।